अल्लाह वेलकम टू द एच ऑफ अकेडमी आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लास्ट लेक्चर था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट कर दिया गया था एक ऐसे ऑर्गेनिजम की वजह से जिसका नाम युगलिना था जिसमें प्लान्ट एनिमल्स दोनों करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थी अब वो जो डिस्कशन चल रही थी कि जो युगलिना है उसको किसमें प्लेस किया जाए किंगडम एनिमिल में प्लेस किया जाए या फिर किंगडम प्लांटी में प्लेस किया जाए तो इसको सॉर्ट आउट करने के, के लिए एक साइंटिस्ट आया उसका नाम था अनस्ट हैकल उसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया इन 1860 इन 1886 में ठीक है उसने क्या किया 1886 के अंदर एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नोन एज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले जो दो किंगडम रहने दिया उसने किंगडम आने में किंगडम प्लांटी लेकिन एक ऐसा नया किंगडम दे दिया इस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा राइट अब प्लांटी जो था जितने भी प्लांट्स थे जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था सबको प्लेस कर दिया गया किंगडम प्लांटी में यह लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ऑलरेडी ठीक है अब देखिए किंगडम प्लांटी की की खसूसियत क्या है कि वहाँ पर आपको क्लोरोफिल भी देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगी वहाँ पे प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे और वो अपने खुराक खुद तैयार करेंगे और सेल में आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगी और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी सेल वॉल जो है वो सेल से मिल बनी होगी अब हम बात कर लेते हैं किंगडम एनीमेलिया की किंगडम एनीमेलिया की बात करते हैं कि क्या होती हैं कि हाइड्रोट्रॉफ्स होती हैं अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते जितने भी एनिमल्स थे उनको प्लेस किया गया किंगडम एनीमेलिया में राइट right? और इनके सेल में सेल वॉल एबसेंट होती है अब प्रॉब्लम था कि जो बैक्टीरिया फिनजाए और एल का कि इन्हें कहाँ पे प्लेस करें अब अर्नस्ट हैकल ने क्या किया अर्नस्ट हैकल ने बैक्टीरिया को लिया और बैक्टीरिया को लिया और जो बना तीसरा किंगडम उसने तीसरा किंगडम बनाया जो था किंगडम प्रोटिस्टा सही है बैक्टीरिया को उसने प्लेस कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा में और अब जो फिनजाई थी और एल थी वो अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद थी लेकिन जो बैक्टीरिया है वो किंगडम प्रोटेस्टर में प्लेस कर दिया डाट इज अम सी क्यू राइट ये एम सी क्यू ये एम सी क्यू भी पूछ सकते हैं ये आपका एम सी क्यू है आप अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए जिनके अंदर दोनों खसूसियात क्या थी प्रेजेंट थीं यानी कि इनके अंदर एनिमल्स वाली भी थी और इनके अंदर प्लांट्स वाली भी खसूसियात प्रेजेंट थी अब जैसे कि युगलिना युगलिना में जितने भी ऑर्गेनिज्म युगलिन लाइक ऑर्गेनिजम्स आर आल प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा विच हैज दीचर अब क्या हुआ एनिमल का फीचर है फीचर ऑटोट्रॉप ठीक है यानी कि प्लांट्स में क्रोरोफिल भी होगा सेल वॉल भी होगी एनिमल्स में एनिमल्स में ना ही क्रोरोफिल है और ना ही क्या है सेल वॉल यानी कि ऐसे जानदार जिनमें प्लांट्स जैसी खसूसियत भी हैं और जिनमें एनिमल्स वाली भी खसूसियत प्रेजेंट है जैसे कि यूगलिना के अंदर थी इन सब को किंगडम प्रोटिस्टर में प्लेस किया गया अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट क्यों किया गया रिजेक्ट करने की जो रीज़न थी वो ये थी कि अब जो कुछ साइंटिस्ट थे डैट्स आर नॉट एग्री द प्लेसमेंट ऑफ फनजा इन किंगडम प्लान्ट कुछ जो साइंटिस्ट थे वो फनजाए को किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूदगी से किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूदगी से वो खुश नहीं थे वो रजामंद नहीं थे इसके रीजन्स ये थी पहली रीज़न ये थी कि जो फनजाए है पहली रीजन ये थी कि जो फनजाए है फनजाए होता है हेट्रोट्राफ अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्राफ्स अब ये सही चीज़ नहीं है कि प्लांट्स आटोट्रॉफ हैं और फनजाए हेट्रोट्रॉफ है, है हमने इनको इकट्ठा प्लेस किया हुआ ठीक है जो अंडर्स था उसने इसको इकट्ठा प्लेस किया हुआ था सेकेंड रीज़न ये थी कि यहाँ पे क्या सेकेंड रीजन यहाँ पे क्या आई कि अगर हम फंजाई के सेल वॉल की बात करते हैं फंजाई के जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल एक केमिकल से मिलकर बनी होती है और वो होता है काइटन लेकिन अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करें इसमें क्या था इसमें सेलुलोज था अब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं इसका मतलब क्योंकि जो एनिमल की सेल वॉल थी जो फंजाई की सेल वॉल थी वो सेल वॉल बनी हुई थी एक काइटन से एक केमिकल से और जो प्लांट की सेल वॉल थी वो बनी हुई थी किससे सेलोलोज से और ये दोनों चीज़ें क्या थी एक दूसरे से डिफरेंट थी इसलिए इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनी डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल्स मतलब प्रोक्रियोर्स एंड यूक्रियस अब प्रोक्रोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता लेकिन दूसरी तरफ आ गई यूक्रियोटिक सेल्स एक ऐसा सेल जिसमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा अब जो मेन रीज़न थी वो ये है कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना तो वो प्रोक्रोटिक सेल का बता रहा था ना ही वो किस किंगडम में प्लेस किए गए थे और ना ही वो ये बता रहा था कि यूक्रोटिक सेल किस किंगडम में प्लेस किए हैं डेट्स वाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो रिजेक्ट हो गया था इस वजह से कि वो ना ये बता रहा था कि प्रोक्रोअर्स किस किंगडम में प्लेस किए हैं और ना वो ये बता रहा था कि यू किस किंगडम में प्लेस किए हैं इस वजह से जो जो हमारा ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये भी रिजेक्ट हो गया था ये था हमारा आज का लेक्चर आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी आज के लेक्चर की